अभय सिंह चौटाला ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला की उचना में घेराबंदी का पक्का प्रबंध कर लिया है। अभय सिंह चौटाला पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 के विधानसभा चुनाव में उचना सीट से मुख्यमंत्री पद के दावेदार को चुनावी दंगल में उतारने का काम करेंगे। अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की परेशानी बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर को उचाना के अंदर महिला आक्रोश सम्मेलन करने का फैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया है। इस सम्मेलन में की आयोजक के तौर पर सुनैना चौटाला रहेंगी और मुख्य अतिथि के तौर पर अभय सिंह चौटाला रहेंगे। महिला आक्रोश सम्मेलन का उचाना में होना एक बड़ी बात है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये सम्मेलन साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला की परेशानी बढ़ाने के लिए किया गया है और इस सम्मेलन के जरिए सुनैना चौटाला और अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला पर चौतरफा आक्रमण करने का काम करेंगे। इस सम्मेलन को लेकर सुनैना चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी की सरकार में हरियाणा महिला अपराध के मामलों में पूरे देश में नंबर एक पर है और यह आंकड़े किसी और ने नहीं बल्कि केंद्र की सरकार ने जारी किए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो केंद्र की सरकार जारी करती है उसके अनुसार भी हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले सालों की तुलना में लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जींद के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा सैकड़ों की तादाद में बच्चियों से यौन शोषण जैसा घृणित अपराध किया गया। विधानसभा में अभय सिंह चौटाला ने इस घृणित कांड के मामले की जाँच हाईकोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा कराने की मांग की थी जिसको पहले तो कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी ने सर्वसम्मति से मान लिया लेकिन पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी सरकार को फंसते हुए देख इससे बचने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी ने आपस में मिली भगत की और जांच के लिए विधानसभा की 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर सारे मामले को रुख ही मोड़ कर रख दिया। अब यह तय है कि यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और प्रिंसिपल को इतने सालों से बचाने वाले असली दोषी बच जाएंगे। यही नहीं भाजपा सरकार के मंत्री संदीप सिंह पर भी यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाने वाली महिला कोच को सरकार द्वारा केस वापस लेने के लिए डरा धमका कर प्रताड़ित किया गया और हद तब होगी जब जहां आरोपी मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करना चाहिए था वहीं उसके उलट महिला कोच को ही निलंबित कर दिया गया। महिला खिलाड़ियों के साथ किया गया दुर्व्यवहार पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने बालों से खींचकर सड़कों पर महिला पहलवानों को घसीटा था। यह महिलाओं का घोर अपमान था। यही कारण है कि पूरे प्रदेश की महिलाओं में कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ बहुत रोष है। सुनैना चौटाला ने कि इस महिला आक्रोश सम्मेलन में पूरे हरियाणा से महिलाएं आएंगी और बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ लामबंद होकर रोष प्रदर्शन करेंगी। इस महिला आक्रोश सम्मेलन के द्वारा जहां महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचारों बच्चियों से हो रहे बलात्कारों का मुद्दा उठाया जाएगा वहीं बढ़ती महंगाई के कारण गृहणियों का जीवन दुर्भर हो गया है और महिलाएं रसोई खर्च में कटौती करने के बावजूद अपना घर चला नहीं पा रही हैं। महंगाई के खिलाफ इस सम्मेलन के अंदर बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा। सुनैना चौटाला की ये बातें बेशक सियासी तौर पर बड़े मायने भी रखती हैं लेकिन ये भी हकीकत है कि इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी जेजेपी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। उचाना के मुद्दे को लेकर और ख़ास तौर पर दुष्यंत चौटाला की परेशानी बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन को इस्तेमाल किया जाएगा। इस सम्मेलन का आधार बनाकर पूरे प्रदेश में दुष्यंत चौटाला की साख को खराब किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि दुष्यंत चौटाला के खुद के हलके में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और इसके जरिए अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों को लेकर भी तीखे प्रहार करने का काम करेंगे। असल में इसमें उचना सभी पार्टियों के निशाने पर है। दुष्यंत चौटाला को घेरने के लिए जहां बीजेपी के ही बड़े नेता वीरेंद्र सिंह की फैमिली लगातार एक्टिव है वो जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के लिए बीजेपी ही हाईकमान पर प्रेशर डाल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के जरिए उचाना पर खास फोकस कर रखा है। बलराज कुंडू ने भी उचाना में लगातार अपनी एक्टिविटी बनाए रखी है और वो भी इसे प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। अभय सिंह चौटाला तो पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो दुष्यंत चौटाला की पोल खोलने का काम करेंगे। वो दुष्यंत चौटाला के खात्मे के लिए हर मुमकिन काम करेंगे और उचाना से सबसे मजबूत प्रत्याशी उतारने का काम भी करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से उचाना में ही महिला आक्रोश सम्मेलन का आयोजन रखा है वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि अभय सिंह चौटाला के फोकस पर निशाने पर सबसे ज़्यादा दुष्यंत चौटाला हैं क्योंकि अभय सिंह चौटाला बखूबी जानते हैं कि जब तक दुष्यंत चौटाला ख़त्म नहीं होंगे तब तक उनकी सियासत मजबूत नहीं होगी, तब तक इनेलो मजबूत नहीं होगी और तब तक पुराने वोटर सपोर्टर और वर्कर इनेलो में वापस नहीं आएंगे। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला का खात्मा चाहते हैं, वो उचाना में दुष्यंत चौटाला को हराना चाहते हैं और 2024 के चुनाव में विधानसभा में जाने का रास्ता दुष्यंत चौटाला के लिए
बंद करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब अभय सिंह चौटाला ने इस महिला आक्रोश सम्मेलन की जगह के तौर पर उचाणा का सिलेक्शन किया है। अभय सिंह चौटाला इससे पहले जुड़ाना हल्के में पार्टी का ऑफिस खोल चुके हैं, जो ये बताता है कि अभय सिंह चौटाला अब बांगर की धरती और उसमें भी खास तौर पर जिन जिले पर खास फोकस कर रहे हैं और यहाँ के वोटरों को अपने साथ लेने के लिए लगातार गंभीर प्रयास कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि जब तक बांगर के लोग उनके साथ में नहीं खड़े होंगे, तब तक उनकी पार्टी मजबूत नहीं होगी, तब तक उनकी सत्ता में वापसी नहीं होगी। वो भी जानते हैं कि उनके परिवार को बांगर से सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है और इसी के बलबूते पर ही ओम प्रकाश चौटाला बड़े नेता बने रहे थे। अब 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला का तख्ता पलट करने के लिए ही अभय सिंह चौटाला ने अब उचाणा को भी फोकस करने का काम किया है और इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा के मामले में दुष्यंत चौटाला के घेराबंदी करने के लिए और इस मामले में बीजेपी जेजेपी के साथ कांग्रेस की मिलीभगत का मुद्दा उठाकर अभय सिंह चौटाला इस मुद्दे को लेकर महिलाओं के बीच में जाएंगे और महिलाओं के मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी करने का भी हर मुमकिन प्रयास करेंगे। इन लोग इस महिला कार्य सम्मेलन की जानकारी हासिल करने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 31 दिसंबर को उचाणा में हो रहे महिला आक्रोश सम्मेलन के दबदबे को लेकर, महिलाओं की संख्या को लेकर, उसमें उठने वाले मुद्दों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।